गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने एक्सरसाइज शुरू किया था चैप्टर साउंड का। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन में से हम और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकालना है। ए पेंडुलम ऑसिलेटेड 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। एक पेंडुलम होता है वो 40 टाइम 4 सेकंड में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करते हैं मीन्स अपना मोशन को रिपीट करता है। हमें उसकी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 40 टाइम, टाइम हमारे पास 4 सेकंड। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टाइम। फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकलने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40, टाइम कितना है 4, इन दोनों को हम डिवाइड करेगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आएगा 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितना है 10। जब हम इसको डिवाइड करेगा तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 0.1 सेकंड। तो so that the time period of pendulum is 0.1 second and frequency of pendulum is 10 hertz. ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट इज वाइब्रेटेड, इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड। में ये 500 वाइब्रेशन करता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए, इसका टाइम व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 500 हर्ट्स है, तो टाइम पीरियड हम इजी से निकाल सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.002 सेकंड होता है इसका वाइब्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द बर्ड्स विच वाइब्रेटेड टू प्रोड्यूस द साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सी पार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, ढोलक। ढोलक इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच हैज थीन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। वेन द हेड बीट टेंजेंटली द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन स्टार्टेड टू वाइब्रेट, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ दिस थीन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ढोलक में क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम जब बीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, यह होता है ढोलक। स्टार, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्टार में क्या होता है, उसमें स्ट्रिंग होता है, उसमें तार लगे होते हैं, उन तारों को हम जब छूते हैं, जब उनको हम टच करते हैं तो वहां से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेशन, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, द स्टार प्रोड्यूस साउंड, वहां से शुरू होता है या प्रोड्यूस होता है। फ्लूट एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक पाइप, लॉन्ग पाइप होता है, जिसको हम जिसमें हम जब हवा भरते हैं, जब हम अपने मुंह से उसमें हवा देते हैं तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। उस पे होल होता है, उस पे सुरंग होता है, उन होल से जब हवा निकलते है तो जब हम एयर उसमें ब्लो करते हैं तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। शोर और संगीत में क्या फर्क है, संगीत वो होते जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगते हैं, जिसे सुनना हमें पसंद होता है। नॉइस जो सुनना हमारे कानों के लिए अनप्लेसेंट होता है, जो अच्छा नहीं लगता हमारे कानों को। द साउंड विच इज अनप्लेसेंट फॉर आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस। जो हमारे नॉइस, हमारे कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता वो क्या होता है, नॉइस होता है। म्यूजिक इज अ साउंड विच इज प्लेसेंट टू अवर ईयर्स एंड मिडुलस। म्यूजिक बिकम नॉइस सम टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द हियरेबल रेंज। म्यूजिक उस टाइम नॉइस बनता है जब ये हियरेबल रेंज को तोड़ता है। हियरेबल रेंज मीन्स 20,000 हर्ट्ज के जब ये क्रॉस करता है तो ये हमारे कानों को
हियरेबल नहीं होते, उस टाइम पे म्यूजिक भी क्या बन जाता है, नॉइज बन जाता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। कल से हम इंशाल्लाह आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अपने कॉपी पे इन क्वेश्चन को लिखना है और याद करना है। जैसे कि कहा था, एक महीने बाद आप लोगों का U2 एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना है। थैंक यू।